हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हर इंसान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब आप समझिए हर एक न्यू मदर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेरे लिए था। और मुझे ये मालूम नहीं था इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कैसे क्या करना है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम था। मैंने ऐसा कांड कर दिया कि समझ लो मेरे बेटे की लाइफ पे बनाई कि आगे जीवन में उसका क्या होगा, ऐसा हो गया मेरे साथ। और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती भूल के भी ना करें ताकि और किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम ना हो जो मेरे बच्चे को फेस करनी पड़ी, जिससे मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि मैं आपसे क्या शेयर करूँ। मेरे बेबी की जो हालत हो गई थी, आप समझिए एक माँ के लिए उसे सहन करना कितना मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि उस टाइम पे रात के 10 बजे के समय ना तो कोई डॉक्टर अवेलेबल, 10 से ऊपर ही हो रहे थे, और मैं किस तरह से लेके बच्चे को सर्दी की रात में भागी, कैसे डॉक्टर मिले, क्या हुआ, मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी। लेकिन प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप इसे लास्ट तक देखिए, एंड तक बने रहिए। मैं आपको ये तरीके भी बताऊँगी कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं जो आपसे बताने वाली हूँ वो प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी दो बेटियाँ हैं, पहले मेरी दो बेटियाँ हुई, उसके बाद में मेरा बेबी बॉय हुआ तीसरे नंबर पे। तो मैंने कभी देखा नहीं था कि बच्चे की सुसु को कैसे खोलते हैं, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी ना, मेरे घर पे मेरी भाभी थी नहीं तो मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी। और मैं बाहर रहती हूँ तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी नहीं रहती हूँ, ना कि अपनी मदर इन लॉ के साथ रही कभी कि मैं इस बारे में जान सकूँ कि हाँ कैसे करते हैं। किसी से बात करने पर कुछ लोगों ने बोला कि इसकी सुसु खुल गई कि नहीं खुली, तो 1 साल तक नहीं खुली तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, खुलेगी नहीं। किसी ने कुछ स्टोरी बताई, किसी ने कुछ स्टोरी बताई, किसी ने कहा कि किसी बच्चे की माँ ने उसकी सुसु नहीं खोली थी तो उसकी जब मैरिज हुई तो फर्स्ट नाइट में ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बहुत कुछ ऐसी उटपटांग बातें मुझे सुनने को मिली, तो मैं इसी टेंशन में थी कि आखिर मैं करूँ कैसे, करूँ कैसे। थोड़ा बहुत करते करते, इधर उधर से सुन के, पूछ पाछ के, अपना करते करते खुल गया सुसु उसका, खुल गया। लेकिन मैंने क्या गलती की, मैं उसे मालिश कर रही थी, मसाज करते टाइम मैंने उसकी सुसु नीचे खोलने की कोशिश की, ये उसके ऐसे नीचे खोलने की कोशिश की, ये खुल तो गया लेकिन मैंने यूं का यूं छोड़ दिया। और अपने हस्बैंड को मैं आवाज़ देने लगी, मैं खुशी हुई मुझे कि हाँ भाई ये खुल गया, अपने हस्बैंड को आवाज़ देने लगी, देखिए 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 ये इसका खुल गया सुसु, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतने में फिर वो मैंने नीचे करके क्या छोड़ा कि ऐसा हुआ कि वो फिर ऊपर आए ही ना, उसकी चमड़ी नीचे शायद चिपक गई, क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ आए ही ना। और ये जैसे ये अंगूठे का शेप यूँ आप देखिए ये होता है ना, इस तरह से उसकी सुसु दिखने लगी ऊपर से। अब मैं इतनी घबरा गई कि अब मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड बोले हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये हो जाएगा। उन्होंने भी कोशिश करी कई बार उसे ऊपर करने की लेकिन वो ऊपर नहीं गया। अब वो बोले अभी थोड़ी देर में इसकी स्वेलिंग आ गई, इतनी स्वेलिंग आ गई उसकी सुसु पे, वो बोले कि अभी ये थोड़ी देर में स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा शांत रहो। और बच्चा मेरा रोए, ऐसा रोए कि मतलब मेरी तो बस जान निकली जाए कि अब मैं करूँ क्या। आखिर मैं नर्वस हो गई पूरी तरह से कि मैं आखिर अब करूँ क्या। हस्बैंड मेरे बोले कोई बात नहीं, अब रात का समय है, सुबह देखेंगे। मैंने कहा ये सुबह देखने वाली चीज़ है, आप खुद सोचिए बच्चा मेरा कितना परेशान है, कितने पेन में होगा। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमें डॉक्टर मिले नहीं, 1 घंटे बाद वो आए, वो किसी केस से बाहर गए थे अपने हॉस्पिटल से, तो 1 घंटे बाद आए। डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने हमसे कहा, फिर उन्हें ट्राई किया उसको बंद करने की कोशिश की उन्होंने। उसके बाद फर्स्ट ट्राई के बाद बेबी मेरा इतना रोया कि मुझे यूँ लगे कि ये बेहोश हो जाएगा, इस कंडीशन पे आ गया। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बोला आप फीड कराती हैं तो आप अपने बेबी को फीड कराइए, थोड़ी देर वो शांत हो जाएगा। मैं फीड कराती रही, मैंने फीड कराया, फिर मेरा बेबी थोड़ी देर बाद शांत हुआ। फिर डॉक्टर मुझसे बोले कि अब मैं एक ट्राई और करूँगा और अगर ये ऊपर नहीं जाता है, ये बंद नहीं होता है, तो हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
मैं आपसे क्या बताऊं, उस टाइम मतलब 9 महीने के बच्चे की शिशु की सर्जरी, आप सोच नहीं सकते कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी, कि मेरी वजह से आज मेरा बच्चा इस कंडीशन में है। मेरी जो हालत थी, मेरे हस्बैंड की आंखें बाहर बिल्कुल, की ऑपरेशन सर्जरी, ये ऐसी सेंसिटिव जगह होती है कि हमें सोचना पड़ा कि इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्या होगा क्या आखिर, सिर्फ मेरी नादानी की वजह से। फिर डॉक्टर ने कहा एक ट्राई करता हूँ, हमने भी भगवान का नाम लिया और डॉक्टर से बोला ठीक है आप करिए कोशिश, जो है आप ही के हाथ में है। फिर डॉक्टर ने ट्राई किया तो 15-20 मिनट बाद जाके ये खबर सुनने को मिली कि हाँ हो गया, बंद हो गया, डॉक्टर के करने से वो बंद हो गया। लेकिन डॉक्टर ने ना उसे कोई ऐसा सुनने का इंजेक्शन वहां कर नहीं सकते थे, ना कोई पेन किलर, 9 महीने का बच्चा उसे क्या दे सकते थे। तो बच्चे को मेरी इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ कि मेरा बच्चा आप समझ लीजिए कि यूं लगा कि बेहोशी की कगार पे उसके ऊपर की चमड़ी कट गई, उसमें से ब्लड आने लगा। फिर उन्होंने मना किया इसे टच करने के लिए, साफ ऑफ करने के लिए, बोला आप 1 हफ्ते तक इसको हाथ मत लगाइएगा, मैं दवा दे दे रहा हूँ, उसे आराम से लगा। मेरा बच्चा टच भी नहीं करने देता था उसको, वो भी इतना डर गया, इतना घबरा गया कि मतलब मेरा बच्चा उसे हाथ ही नहीं लगाने देता था। तो इसका रीजन क्या हुआ ये मैं आपके साथ आपको बताऊंगी कि ये किस रीजन से हुआ। ये जब मैंने उसको नीचे किया तो उसमें हवा लग गई, हवा लगने की वजह से उसका ऊपर का पोर्शन जो है इसमें स्वेलिंग आ गई, ये हवा लगने की वजह से ये सूजन उसमें आ गई और ये ऊपर नहीं जा। अगर मैं जस्ट ऊपर कर देती, अपने हस्बैंड को आवाज़ ना देती या दिखाने के लिए कि मैं हाँ खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई कि हाँ भाई खुल गया, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा या कोई दिक्कत नहीं होगी, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको भी ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आप न्यू मदर हैं, खास करके बेबी बॉय की, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, आप इसको बिल्कुल भी खोल के छोड़िए नहीं, आप ऊपर नीचे करके उसको साफ करके, मतलब आप थोड़ा सा सरकाइए, पूरा नहीं खोलिए, मैंने पूरा नीचे कर दिया था, आप थोड़ा सा सरका के उसको ऊपर साफ करके हल्के कॉटन के कपड़े से पोंछ के और आप उसको बंद कर सकती हैं, लेकिन कभी भी खोल के छोड़िएगा मत, मेरी तरह की गलती आप कभी मत करिएगा। और इसको खोलना कैसे है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके बेबी की सुसु नहीं खुल रही है तो आप उसको नहलाते टाइम यूँ पकड़ के और पानी की धार बना के हल्के गुनगुने पानी की, आप यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ आपको बिल्कुल वो बर्दाश्त हो रहा है, आप कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो हल्के से गुनगुने पानी की धार बना के उस पर डालिए और डेली का काम है, या आप डेली कई दिनों तक करिए। उसके बाद उसमें तेल की एक बूंद डाल के फूंक मारने की कोशिश कीजिए, सरसों के तेल की, जब आप मालिश करती हैं तो सरसों के तेल की एक बूंद डाल के उस पर फूंक मारिए और वो धीरे 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 नीचे सकाइए, वो खुल जाएगा। खुलने में तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैंने खोल तो लिया बहुत आसानी से, लेकिन फिर उसके बाद की जो दिक्कत प्रॉब्लम आई वो मैंने आपको बताई। अब आप ऐसा कभी मत करिएगा, खोलने की तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, खुल तो जाता है, सबका खुल जाता है, लेकिन हाँ 1 साल का होने के बाद टाइट हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप नहलाते टाइम गर्म पानी की सहायता से खोल सकती हैं। और तेल, एक बूंद तेल, ज़्यादा नहीं, बस अपने हाथ में लगा के उसको ऐसे ऊपर से ऊपर का पोर्शन पोंछिए और थोड़ा सा सरका के उसको कॉटन के कपड़े से साफ कर दीजिए, ताकि गंदगी साफ होती रहे, उसमें व्हाइट कलर के की गंदगी जम जाती है जिसकी वजह से ये खुलता नहीं है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर आपके बेबी का सुसु नहीं खुल रहा है, मेरी तरह से आप ऐसी गलती मत करिए, किसी बच्चे को वो पेन ना हो जो मेरे बेबी ने सहा है। मेरा बेबी अभी अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है और ये 1 साल पहले की घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बेबी के साथ जो हुआ वो आप मत करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, कुछ भी यूज़फुल लग रही हो, अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आप लाइफ में आपके काम आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
मैं आपको आगे भी इस तरह की बातें बताती रहूँगी, इस तरह की भी टिप्स देती रहूँगी, जिससे आपको पता चले कि आपको लाइफ में क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ये तो हर कोई बता देता है कि बच्चे की शिशु को कैसे खोलना है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि खोलने के बाद क्या गलती नहीं करनी है, जो मैंने की, जो मेरे साथ हादसा हो चुका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।